आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान हरविंदर सिंह सचदेवा और रजनी सचदेवा ने पवित्र पावन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सुशील आर्य ने मंत्रोच्चारण सहित यज्ञ संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और गायक रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति का भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने सभी का धन्यवाद किया। यज्ञ के उपरांत लंगर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र खन्ना, रेवा खन्ना, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया, ओम प्रकाश मेहता, ईश्वर चंद्र, रामपाल, रहमत भाटिया, रूहानी भाटिया, भूपेंद्र उपाध्याय, पुष्पा देवी, अमरनाथ, कुबेर शर्मा, पूनम मेहता, गौरव आर्या, पवन महाजन, कृष्ण कुमार सूद, रिशु सूद, ललित मोहन कालिया, कुमार गौरव और गौरव मेहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस समाज के सभी पदाधिकारी का आदरणीय माताओं बहनों प्यारे बंधुओं, अभी सुंदर आपने भजन सुना। सोनू भारती जी ने बहुत सुंदर मधुर कंठ से भजन सुनाए। अभी मेरे भाई रवि जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया कि सारा भार जो है परमपिता परमात्मा आप पर ही है। सत्य तो ये है कि सारा भार ईश्वर ने ही उठाया हुआ है। हम बेकार में बीच में समझते हैं कि मैं बड़ा पार चक्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी अवस्था अभी समझिए कि 60-65 साल की अगर होगी, तो 60-65 साल से जन्म लेने से पहले भी ये संसार ऐसा ही था। उसी प्रकार सूर्योदय होता था, सूर्यास्त होता था, दिन है, रात है, ऋतुएं बदलती हैं, हाँ जी, कभी पतझड़ है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, फूल खिलते थे, मेरे जन्म से पहले भी फूल खिलते थे, मनुष्य आते थे जाते थे, और हमारे जाने के बाद भी सब कुछ ऐसा ही, व्यवस्था सारी ऐसी ही रहेगी। लेकिन बीच में हम वो 60-70 साल का हम सोचते हैं कि हमने बड़ा भार उठाया हुआ है, लेकिन अंतिम रूप में सारा उत्तरदायित्व जो इस संसार का, इस प्राणियों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संपूर्ण भार है, वो परमपिता परमात्मा पर ही है। कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि अगर हम आज इसकी परवाह नहीं करेंगे, आज हम परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे शरीर में रोग अपवृत्तियाँ हमारे शरीर को नुकसान देगी, हमारा हरण कर लेंगी। सो हमें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने दैनिक दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए, हमें अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी चाहिए और अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से परमात्मा की शरण में आकर, और हो सके तो दिन में 2 बार तो जरूर परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए। कोई ना कोई दंपति यहाँ पर आकर किस यशादा की शोभा बढ़ा रहा है, उसकी कड़ी को जोड़ते हुए रविंद्र सिंह सचदेवा, रजनी सचदेवा ने आज हमने भी विचार किया होगा, जिस दिन किसी का रविवार और जन्म अगर जन्मदिन हो तो उस दिन वो जयशाल पर आकर के सुनाए। इन्होंने 3 दिन पहले इनकी विवाह वर्षगांठ हुई थी, उन्हें दोनों आज दिन आज उन्हें पवित्र पौ वेद मंत्रों के द्वारा आचार्य ने बहुत सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा उन्होंने यज किया, और उसके उपरांत हमारे दोनों बहनों सोनू भारती ने बहुत ही सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर उनको बधाई की सुनाकर। भगवान वाल्मीकि जी का प्रकाश पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान निकाली गई इस शोभा यात्रा के मार्ग में लवकुश चौक में भगवान वाल्मीकि सेवा सोसाइटी गिल परिवार और मट्टू परिवार की ओर से विशाल लंगर लगाया गया
और मंच सजाया गया। इस दौरान स्टेज पर कलाकारों ने सुंदर झांकियां पेश की। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्रवाल, विजय सोहोता, दिनेश ढल और नीलकंठ जज ने मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत की और गिल परिवार और मट्टू परिवार को शुभकामनाएं दी। इस लंगर का शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज द्वारा किया गया। इस मौके पर जतेंद्र निक्का, चेतन हांडा, विक्की गिल, गग्गी गिल, मोहित सिद्धू सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। इस मौके पर गिल परिवार और मट्टू परिवार की ओर से श्री विज और आए हुए गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा के मार्ग में लवकुश चौक में भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान सोमा गिल की ओर से भव्य मंच लगाया गया। इस दौरान सोमा गिल की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज और भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी के प्रधान विपिन सब्रवाल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर श्री विज ने भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा के दौरान लगाए गए स्वागती मंचों की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय अमृत खोसला को भी याद किया। इस मौके पर विजय सोहोता, दिनेश ढल, नीलकंठ जज, जतेंद्र निक्का, चेतन हांडा, विक्की गिल, आनंद बैंस, गग्गी गिल, मोहित सिद्धू, अभी सब्रवाल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट।
हर वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। आज इस महापर्व से भगवान वाल्मीकि जी महाराज दे इस जन्म उत्सव के उपलक्ष में यह जरा शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा। आज ये देख के लग रहा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज इतने शोभा यात्रा के अपना आशीर्वाद देने ले आप आए हुए हैं। जिस तरह लखा की तादाद जिन्ना उत्साह, जिन्नी श्रद्धा, जिन्नी भावना ना लोग इस पर्व न मना रहे हैं साडे भरा, मैं उन्होंने सारा बहुत बहुत बधाई देना। और बिपन सभरवाल जी जिन्हों की यात्रा एक इतिहासिक यात्रा से जड़ी यात्रा तीर्थ स्थान से उन्होंने लोगों को लैके गई है जेडे उत्थे दर्शन कर नहीं सी जा सकते, उन्होंने आप सारे इंतजाम करके और पुण का भागीदार बने हैं। मैं उन्होंने बहुत बधाई भी देना, आशीर्वाद भी देना। और सोमा गिल जी ने अपने साथियों के नाल वाल्मीकि वेलफेयर कमेटी पंजाब इंद्र सभरवाल जी, विनोद जोशी जी, नवल किशोर जी, अरुण मनी जी, रॉकी मनचंदा जी और उन्होंने होर बाकी दे साथी भी, उन्होंने भी मैं बहुत बधाई देना कि उन्होंने भी आज इतने विशाल मंच लगा के भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के भगतों का स्वागत किया और उन्होंने स्वागत कर रहे हैं, उन्होंने मान वधा रहे हैं। भक्ति करना तो एक भक्ति है, बड़ा पुण मिलता वह भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के भगतों की भक्ति कर रहे हैं इतने स्टेज लगा के, ये बहुत वड्डी गल है। और महाराज इहदा जिहड़ा पुण है ये साडे सोमा गिल जी एंड उन्होंने साथियों का मिलेगा। और सारी शोभा यात्रा का आयोजन जिन्हें जिन्हें साथियों ने किया और उन्होंने बहुत बधाई देना। शक्तिपीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों शोभा यात्रा के सारे शामिल हुए, झाकियां भी शामिल हुई हैं। बिपन सभरवाल जी का ये निका जी का सारे का बड़ा योगदान है कि हमेशा रामनवमी शोभा यात्रा के भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी की शोभा जी यात्रा है उन्होंने नाल मोढ़े के नाल मोढ़ा लगा के देंगे ने। इन्होंने सारे धर्मों को इकट्ठे किया। मैं सोमा गिल जी का, उन्होंने साथियों का और साडे मेरे बहुत छोटे वीर और बड़े अजीज और समाज के जिन्हों का मान सम्मान है बहुत, उन्होंने अज मैं बिप जी का पूरा नाम नहीं लेना, बिप जी का मैं धनवादी नहीं है। और महाराज अगर अरदास करता सोमा गिल जी को, बिप जी को, निका जी को, सपूतों को, गुरु महाराज अपना इन्होंने सिर पर मेहर भरे हाथ रखन। श्री अमृत खोसला जी जो अच्छे साढ़े बच्चे नहीं रहे पर यह विश्वास है उन्होंने सर, उन्होंने आप हमेशा जीता रखा। शोभा यात्रा से जो सत्कार आ अमृत खोसला जी का वो अभी वध चढ़ के उस भी उत्तर करा, क्योंकि अमृत खोसला जी ने 40 साल समाज के लगाए हैं, उन्होंने बड़ा योगदान, बड़ा लंबा सफर समाज के निकलें। तो ज्यादा मैं ना कहता हाँ, मैं यही कहूँगा कि अमृत खोसला जी को आप समर्पित करें करिए शोभा यात्रा, क्योंकि असं उदो देखा जी तुम भी हल्के जो होने असं उदो बच्चे से जो देखते उन्होंने देख लिया कि अच्छ असं इतने पहुंचे हैं, असं भी थले खड़े होकर सिर जब उन्होंने देखी रही शोभे का किस तरह ना कटते अच्छ उन्होंने सिक्खियां गलों अच्छ देख के असं इतने पहुंचे हैं। बोलना असं बचपन तो नहीं सीख गए, भरावान को देख देख के लोगों को सोच सोच के सुन सुन के बोलना सीख गए। और उन्होंने हमेशा जो योगदान है साढ़े परिवार के नाल रहा। मेरे बहुत ही सत्कार जो उत्सव कमेटी के चीफ पैटनर शीतल वज जी साढ़े बहुत ही सत्कार योग ने, मैं दिल दिया गहराइया में शीतल वज का धन्यवाद करता, अपनी कमेटी वालों धन्यवाद करता, सोलह वीर का जो इन्ने जज्बात
सोमे वीर ने दसिया श्री अमृत खोसला जी साडे पिता समान जिन्होंने आश्रम दे विच मैनू जताया और मैनू उत्थे सेवा करन दा मौका दिता। सिटी वाल्मीकि सभा दे प्रधान दे नाल नाल भगवान वाल्मीकि आश्रम दे प्रधान बन सके, उन्हां दा सानू बहुत दुख प्रकट होया, बड़ी घाट महसूस होई आ समय बाजी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। भगवान वाल्मीकि नौजवान सभा बस्ती नौ मोहल्ला वीर बबरीक जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल लंगर लगाया गया, जिसका शुभारंभ इलाके के गणमान्य लोगों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस मौके पर सभा के अध्यक्ष बिल्ला हंस, उपाध्यक्ष सूरज सोहता, चेयरमैन कार्तिक सोहता, उप चेयरमैन लक्की चीमा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस के उत्ते जलंधर वासियों पूरे भारत वासियों मैं लख लख मुबारक देना अपने वालों और पंजाब सरकार वालों कि अज बहुत ही वड्डे पद्धर के उत्ते भगवान वाल्मीकि महाराज जिहड़ा प्रगट दिवस मनाया जा रहा उसके संबंध में बस्ती नौ ते बस्ती गुजा के शक्ति पार्क के ओपोजिट जिन्हें भी मेरे नौजवान साथियों ने लंगर लगाया, मैं भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों यही अरदास करदा कि इन्हां सारिया की मनोकामना पूरी करियो, इन्हां उत्ते अपना आशीर्वाद बनाई रखियो कि इदा ही ये समाज की धर्म की अपने लोगों की सेवा करते रहन। इन्हें कहता होया फिर एक बार पूरे शहर वासियों भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट दिवस उत्ते लख लख बधाई दिंदा, लख लख बधाई दिंदा। जय जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। अज बड़ा खुशियां भरिया दिन सृष्टिकर्ता महाराज वाल्मीकि जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में वाल्मीकि सभा वीर बबरीक महला बस्ती नौ वालों ये शानदार लंगर का आयोजन किया गया। बधाई दे पात्र ने बिल्ला हंस जी जिहड़े प्रधान ने, विनोद बिट्टू जी और साढ़े नाल सूरज जी, लक्की जी साढ़े बस्ती के प्रधान श्री बब्बू अरोड़ा जी जिहड़े परसों तो ही इस कार्यक्रम से लगे हुए ने। परसों बड़ी विशाल शोभा यात्रा इलाके निकाली गई और कल शहर की शोभा यात्रा सी और अज सवेर तो ही सारे मंदिरों च धार्मिक कार्यक्रम चलते पे ने। सवेर के साडे च मुख्य अतिथि शीतल अंगुराल जी विधायक साहब वो भी विराजमान सन, सुशील रिंकू जी पूर्व विधायक वो भी विराजमान सन। कोई खुशियां भरिया दिन है और सारे परिवार सारे वाल्मीकि समुदाय के लोग उन्होंने नाल नाल साडे सारियां बरादरियां लोग मिल के इस त्यौहार को मना रहे हैं। सारे क्षेत्र वासी बधाई दे पात्र ने, खास करके साडे मेरा वीर बिल्ला हंस जिन्हें विशाल लंगर का आयोजन किया बधाई का पात्र है। अज के शुभ दिन तक एक फिर मैं सारे इलाका वासियों अपने वालों अपने परिवार वालों और बिल्ले हंस जी वालों बधाई दिना। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। वाल्मीकि प्रगट दिन से मैं सबनों लख लख बधाई दिना वा। मल्होत्रा साहब, बब्बू भाजी, सूरज जी, लक्की जी, राजू जी, पिंटू जी, महिंदर जी, ये सारे वाल्मीकि सभा कमेटी के है। सबनों मैं लख लख बधाई दिना वा वाल्मीकि महाराज के प्रगट दिन की। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस दियाँ सब समूह संगतों को बहुत बहुत बधाई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा बिल्ला हंस जी का जिहड़ा लंगर का आयोजन हर साल करके महला वासियों बड़ी खुशी की लहर देंदे है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मेरे जिन्ने आए भरा मेरे सारे बस्ती निवासियों लख लख बधाई दिना वा। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट उत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण सेवा सोसाइटी गली नंबर 1 मोहल्ला आबादपुरा जालंधर की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विनोद कुमार थापर, जिम्मी थापर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया और सभी देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट उत्सव की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर सौरव वादिया, वनीत कुमार, सुनील कुमार, सोनू, विनोद कुमार, रामदास नाहर, अनिल, जतिन, संजय कुमार, राकेश कुमार, सनी, रिंकू, सरबजीत, विजय कुमार, तुषार सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। प्रभु वाल्मीकि जी दे प्रगट दिहाड़े ते गली नंबर 1 आबादपुरा तो जिहड़ी कि नौजवानों की टीम आ उन्हां वल्लों लंगर दा अरेंज कीता गया अते सत्संग कराया गया, जिस दे विच सारे मुहल्ले ने शिरकत कीती आ और लंगर दे विच भी पूरी गली दा सहयोग और तन मन धन नाल सेवा की गई आ। मैं इस प्रगट दिहाड़े ते
पूरे विश्व वासियां नूं लख लख वधाई दिंदा वां अते इन्हां नौजवानां नूं भी इह वाल्मीकि महाराज दीआं जिहड़ीआं शिक्षावां तां दित्तीआं उहनां ने उहनां ते चलण दी सलाह दिंदा वां और इहनां नूं इह कहिंदा वां कि जो भी साडे वाल्मीकि महाराज बाबा साहिब अंबेडकर जी ने भी जिहड़ीआं सानूं शिक्षा दित्तीआं वां आपां उहनां ते चलीए ते पूरे समाज नूं जिहड़ी आ उह चंगी सेध दे सकीए। तो मेरे महल्लेदार भी जिन्ने भी आ गली नंबर एक दे आले दुआले दे जिन्ने भी मेरे सहयोगी सीगे उह सारिआं ने इस प्रगट दिहाड़े ते महाराज दा नाम भी लिया वा अते लंगर दे विच सेवा भी कीती आ ते मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा वां ते पूरे समाज नूं पूरे विश्व नूं जितने भी लोग साढ़े देशों विदेशों में सारिआं नूं महाराज वाल्मीकि जी दे प्रगट दिहाड़े ते लख लख वधाई दिंदा वां। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। प्रभु वाल्मीकि जी दे प्रगट दिवस दीआं मुहल्ला आवादपुरा एक नंबर गली वल्लों सारे शहर निवासियों नूं लख लख वधाई। जिस तरह आवादपुरे विच अज साडी टीम वल्लों लंगर लगाया गया, इस तरह हर साल बड़ी धूमधाम नाल इस तरह लंगर लगता रहेगा। तो असीं चाहुंदे हां कि मुहल्ला निवासियों का शहर वासियों का साडे नाल सहयोग बनिया रहे। और अब एक जरूरी सूचना, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं गुमशुदा वीर दविंदर सिंह की है, जो कि मकान नंबर 1366 सेक्टर 23-20 बीच चंडीगढ़ का निवासी है, जिसकी उम्र 47 साल, कद 5 फुट 11 इंच और रंग सांवला है। वीर दविंदर सिंह 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे ड्यूटी पर गए और उसके बाद वापस नहीं लौटे। अगर किसी को इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो मोबाइल नंबर 7304885552 पर या थाना डिवीजन नंबर सेंट्रल सेक्टर 17 पर संपर्क कर सकते हैं। जय मां सेवा संघ की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी सदस्यों के सहयोग से 16वीं महाचौकी 5 नवंबर को नकोदर रोड स्थित ज्योति चौक में धूमधाम से करवाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में संघ की प्रथम बैठक का आयोजन साई प्रिंटर्स कार्यालय में किया गया, जिसमें संघ के सभी सदस्यगण शामिल हुए और अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान हेमंत सरीन ने बताया कि इस बार आयोजित महाचौकी में मां की 21 शक्तिपीठों से पावन ज्योतियां भक्तों को आशीर्वाद देंगी। इस महाचौकी में प्रसिद्ध गायक कलेर कंठ माँ भगवती का गुणगान करेंगे और भजन सम्राट नरेंद्र चंचल जी के सभी म्यूजिशियन शिष्य भी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में प्रधान हेमंत सरीन, विक्की शर्मा, बॉबी शर्मा, अजय लाली, रोमिन कनोजिया, सौरभ शर्मा, श्यामलाल मंडीवाले, रणदीप सूरी, मनिंदर राणा, नव विकास शिंपू, नरेश सेठी, सौरभ खुराना, वरुण शर्मा, सुभाष खटक, मोहित वर्मा, विशाल सेठी, प्रदीप शर्मा, रमेश भारद्वाज, सतेंद्र पाल, गुलशन कुमार, मोहित अरोड़ा, प्रमोद सहगल, अजीत सिंह, राजेश कनौजिया, शिवजीत डोगरा, सुभाष कुमार, निप्पी, वीके शर्मा, सरबजीत राय, दीपू बठला, नितिन गुप्ता, मनु अरोड़ा, निष्पक्ष सरीन, पंकज शर्मा, राजेश कुमार, हनी सरीन, प्रदीप शर्मा, सोनू व अन्य उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। आज 9 अक्टूबर जयमा सेवा संघ द्वारा जो पिछले 15 सालों तो महाराणी का विशाल भगवती जागरण जो ज्योति चौंक जलंधर कराया जाता है, उस दे 2022 दे जागरण लई इस महा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस विच सारे संघ दे मैंबर्स सारे पहुँचे ने हुम हुमा के। और पिछले तुहानू पता है कोविड की महामारी करके असी जो है कि 1 साल 2 साल का गैप पै गया सीगा, पर आप इस साल फिर सारे मैंबर्स ने डिसाइड किया है कि महाराणी का जो वड्डा जग है ये असी 5 नवंबर 2022 नूं करवाण जा रहे हैं, जिस दे विच विश्व विख्यात जो पार्टियां दा जो है वो हिस्सा लैणगियां। और इस महाराणी दे पावन जग विच महाराणी दियां 21 शक्तिपीठां दियां जोतां दा आगमन होएगा।
और मैनू जो जिन्ना मेरे भरा मेरे इस जोतां लई जिन्ना मैनू दस रहे ने कि और डिमांड कर रहे ने कि महाराणी दी जोतां तुसी 21 दी 31 कर लो और मैनू पूरा विश्वास है कि ये जिहड़ी जोतां है महाराणी दियां 31 जोतां दा विराजमान भी हो सकता है और मैनू बड़ी खुशी है अपने सारे मैंबर्स का उत्साह देख के कि असी कोविड तो बाद मिले हाँ पूरे 2 साल के गैप तो बाद और मेरे सारे भरावान ने मैनू बड़ा हौसला दिता है कि एज ए प्रधान कि तुसी अपना जो असी करन लगे हाँ सारिया ने सहमति जताई है कि महाराणी का जिहड़ा वड्डा जग असी 15 साल तो करा रहे हैं और इस साल भी 16वां जागरण भी इस साल बड़ी धूमधाम नाल करावांगे और इस दे संदर्भ विच एक हफ्ता जो महाराणी दियां जदों जोतां दी शुरुआत हो जाएगी आन दी लगातार लंगर दिन रात चलनगे और विश्व विख्यात पार्टियां जिदे विचों कंठ कलेर जी संदीप सूद जी और होर भी मैनू लगता है कि बड़ियां विख्यात पार्टियां जो भाग लैणगियां और मैं दैनिक सवेरा चैनल दे राही सारे भरावां नू सारे अपने जो साडे सहयोगी ने जो साडे महाराणी दे आके साडे ज्योति चौंक जलंधर च मत्था टेकदे ने और हर साल आंदे ने और सानू हर साल वो पुछदे भी रहिंदे ने कि तुहाडा जागा कदों आना है किहड़ी तरीक नू होना है और मैं तुहाडे चैनल राही सब नू सद्दा दिंदा कि हुम हुम आके 5 नवंबर नू जलंधर विखे पहुँचियो जिहदे नाल असी ये महाराणी दे जग नू होर वधिया चार चंद ला के वधिया बना सकीए। जय माता दी, जय माता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। नाभा की सब तहसील भादसों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, नहीं हो पाई पहचान। जिला प्रशासन की ओर से गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर से हाफ मैराथन का किया गया आयोजन, 111 वर्षीय फौजा सिंह ने भी लिया भाग। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से लुधियाना के देसी ग्राउंड से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, शियद के प्रधान सुखबीर बादल ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।